बिना किसी भूमिका के सीधे आज भोरे भोर में आपके डिमांड पर एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो खबर आपको तो हिला ही देगा, साथ ही सारे दावों को भी कहीं ना कहीं ध्वस्त करता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार का सारा पोल पट्टी खुल गया है, वहीं तेजस्वी यादव भी इस कहा जाए तो इससे बरी नहीं हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार लगातार पलायन के दौर से गुजर रहा है और बेरोजगारी भी उसी हिसाब से बिहार में बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि दो दिन पहले ही उद्योग मंत्री को नीतीश कुमार ने भरे मंच पर शाबाशी दी, बधाई दिया, गले लगाया। इसका मतलब था कि बिहार ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बेरोजगारी और पलायन दो ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे समय के बाद 2020 के चुनाव में सामने आए थे। इसके लिए जहां तेजस्वी यादव को बधाई दिया जाना चाहिए कि युवा होते हुए उन्होंने युवाओं की बात उठाई थी, रोज़गार की बात उठाई थी, बेरोजगारों की बात उठाई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी दावे ही बनकर रह गए। हालांकि मौजूदा सरकार का कहना है कि पिछले 17-18 साल में शासन ने बिहार में लोगों को रोज़गार देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं और क्या नहीं, ये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएंगे। रोजगार निबंधन विभाग की अगर माने तो ताज़ा आंकड़े सरकार के तमाम दावों की सच्चाई बयां करते हैं। बिहार में रोजगार का डिमांड करने वाले लोगों की अगर निबंधन रजिस्ट्रेशन जिसे कहा जाता है उसके आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें 73% लोग निरक्षर हैं, यानी कि सिर्फ बेरोजगार ही नहीं है, बिहार सरकार शिक्षा में भी फिसड्डी साबित हो रही है। और ये तब है जब नीतीश कुमार का दावा मजबूत है कि उन्होंने बिहार की सूरत बदल दी है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को धत्ता बताते हुए नीतीश कुमार 2005 में बिहार की गद्दी पर काबिज हुए थे। लगातार नीतीश कुमार का दावा है कि वो सुशासन की सरकार चलाते हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं और विकास उनका सबसे पहला ध्येय है। नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में कहा भी है कि वो सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के लिए हैं। ये कैसी सेवा है कि एक राज खुलता है तो साथ साथ दूसरा भी राज अपने आप खुल जाता है। बेरोजगारों की बात करें तो शिक्षा को लेकर के बिहार सरकार की नाकामियाँ सामने आ जाती हैं। राज्य में रोजगार अगर मिल जाता तो रोजी रोटी के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता, रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ता। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। रोजगार निबंधन में बिहार के कुल 5 लाख निरक्षरों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं ग्रेजुएट कर चुके हैं महज 10% लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है। नेशनल कैरियर सर्विस NCS के पोर्टल पर 30 अप्रैल को ये आंकड़े आए थे। रोजगार के लिए निबंधन कराने वाले 7,31,000 लोग निरक्षर हैं। इसमें करीब 5,37,000 बिहार के ही हैं। 15,43,000 बेरोजगारों ने देश भर में अपनी शिक्षा का जिक्र नहीं किया है। इसमें मात्र 1,572 बिहार के हैं। इस आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारों का आंकड़ा जो है 10वीं पास की संख्या बता रही है कि 10वीं पास 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 11वीं पास 67,000 लोग बेरोजगार हैं, 12वीं पास 25,71,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं के बाद डिप्लोमा डिग्री धारण करने वाले 19 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हैं। वहीं ग्रेजुएट पास 33,11,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। स्नातकोत्तर की बात करें तो मास्टर डिग्री करने के बाद 1,24,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की जानकारी आपको उसी आंकड़े के हिसाब से दिया जा रहा है जिसका सर्वे किया गया था। आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो लोग बेरोजगारी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसमें 8वीं पास 13,451 बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं पास 2,52,000 लोग बेरोजगार हैं, 11वीं पास लगभग 32,000 लोग बेरोजगार हैं, तो 12वीं पास 33,000 के आसपास लोग बेरोजगार हैं। 10वीं के बाद डिप्लोमा करने वाले लगभग 11,000 लोग बेरोजगार हैं, तो वहीं ग्रेजुएट पास करने वाले 1,96,000 के आसपास लोग बेरोजगार हैं। अगर स्नातकोत्तर की बात करें तो लगभग 26,500 लोग बेरोजगार हैं।
आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन में बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार लगातार बेरोजगारों के आंकड़ों को पार करता जा रहा है। इन आंकड़ों में देखें तो एक बात साफ नज़र आती है कि बिहार लगातार बेरोजगारी के आंकड़े और पलायन के आंकड़ों से त्रस्त है। इन सारी बातों को लेकर के कहा जा रहा था और ये बातें चल रही थी कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और इसको लेकर के उन्होंने मजबूर किया था कि उनके विरोधी यानी NDA भी रोजगार को मुद्दा बनाए। 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब ये आंकड़े डरा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो 9वीं पास 13,000 से ऊपर लोग बेरोजगार हैं, 10वीं पास 2,52,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, वहीं 11वीं पास हमने आपको बताया था कि 32,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो डिप्लोमा करने वाले 10,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट पास करने वाले 1,96,000 लोग बेरोजगार हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई भी रोजगार अब तक सृजित नहीं किया जा सका है। सरकार के आंकड़े और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री करने वाले लगभग 27,000 लोग बेरोजगार हैं। आंकड़े बता रहे हैं, आप लगातार इस बात को कह रहे थे कि बिहार में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उस पर आपके सामने आंकड़ों के साथ बातचीत की जाए और सरकार की नाकामियों को दिखाया जाए। इसके साथ ही जो स्थितियां हैं हमने कई बार आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो भारत लाइव से लेकर के खूंटा टॉक पर और पंचनामा, इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हमने आपको रोजगार को लेकर के बहुत सारे आंकड़े दिखाए हैं और वास्तविकता से भी परिचय कराया है। यदि आप गांव ग्राम में चले जाएं, दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, तो वहां आपको बच्चे हाफ पैंट पहन करके पुलिस और पलटन की भर्ती के लिए दौड़ते हुए नज़र आएंगे। गांधी मैदान पटना के अगर आप देख लें, सुबह टहलने के लिए बहाने चले जाएं, तो वहां देख लें कि क्या संख्या है बेरोजगारों की और कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारों की ये जानकारी NCS के आंकड़ों के हिसाब से मिली है और इस आंकड़े ने स्पष्ट कर दिया है कि बेरोजगारों के को लेकर के बिहार सरकार कितना ज़्यादा जागरूक है। देश भर में कुल बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें 1,41,78,320 लोग हैं। बिहार में बेरोजगारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, उसमें से 14,15,914 लोग हैं, जिसमें बिहार के पुरुष हैं 11,07,798, वहीं बिहार की महिलाएं हैं 3,06,619। इसके साथ ही किन्नर समाज के भी 234 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि बेरोजगारों की श्रेणी में है। अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के 17 साल के शासन का पोल पट्टी खुल गया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लाख दावा करें। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव का युवा ब्रिगेड, जो कि कारी शोएब के नेतृत्व में बिहार सरकार को रोजगार को लेकर के उनके आँख खोलने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, जो आंदोलन काफ़ी सफल भी रहा था, इसकी धमक विधान परिषद में भी देखने को मिली थी और इसको लेकर के बड़ा काम किया गया था। लेकिन उसके बाद से एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने बयानों में तो कहते हैं कि वो सरकार को बेरोजगारी के मामले में, रोजगार के मामले में घेरेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार क्या कर रही है इसकी चर्चा बिल्कुल ही नगण्य है। बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है, इसके पीछे दो कारण हैं, पहला तो बेरोजगारी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे कि दावे बहुत हैं, लेकिन पलायन करके लोग बिहार से बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था भले ही दावे किए जा रहे हों, कई ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे मास्टर्स हैं जिनको लेकर के YouTube पे और सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी बिहार के बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा लेनी हो, उनके अभिभावक उनके प्रति जागरूक हैं, तो उन्हें बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सारे पोल पट्टी खुलते हैं और दावे जो कि लगातार बिहार फिसड्डी राज्यों में नीति आयोग की रिपोर्ट में आता है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना शायद नीतीश कुमार की ज्यादती है। नीतीश कुमार लगातार 17 सालों से बिहार के मुखिया हैं, लेकिन ऐसे मुखिया हैं जो अपने ही परिवार को
ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, इसके लिए उन्हें बार बार दूसरे से सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दावे तो लगातार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की जनता लगातार नीतीश कुमार को मौका दे रही है, ये भी कम आश्चर्य की बात इस लोकतंत्र में नहीं है। बेरोजगारों के आंकड़ों और बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि धरना प्रदर्शन हो रहा है। दो दिन पहले भी हमने देखा है कि चिराग पासवान धरने प्रदर्शन के लोगों के बीच जा कर के और सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। बिहार में कहीं ना कहीं सरकार मजबूत है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वादे और समय समय पर अपना खाना पूर्ति करने के लिए इसकी चर्चा कर लेता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि परीक्षा में पेपर आउट हो जाना, जो बेसिक पढ़ाई है उसमें टीचरों का सक्षम नहीं होना, और इसके साथ साथ बड़े संख्या में लोगों का पलायन करना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में बेरोजगारी और अशिक्षा बड़ा अभिशाप है। शायद ये अभिशाप नीतीश कुमार से दूर करने के बस में नहीं है, और नीतीश कुमार इसके प्रयास भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र को, अगर आपको लोकतंत्र में ऊपर की कुर्सी पर रहना है तो लोगों को अशिक्षित रखें, जिससे कि आप अपने मकसद में कामयाब होते रहें। हालांकि बिहार बहुत जागरूक है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए आने वाला समय कठिन होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सुर ताल मिलाने और सत्ता प्राप्त करने की होड़ में सब कुछ भुला बैठा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।